नमस्कार, मैं निशांत और आप देख रहे हैं द ललन टॉप। पश्चिमी दिल्ली का नारायणा इलाका, यहाँ एक 23 साल के लड़के को मोबाइल फोन चोरी के शक में पेड़ से बांधकर इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक 28 अगस्त को चार आरोपी इस्तिहार, अनीस, मुश्ताक अहमद और सिराज ने राहुल नाम के लड़के को MCD पार्क तक खींच कर ले जाने के बाद पीटा। पुलिस का कहना है कि पेड़ से बांधकर उसे डंडों, पाइप और लोहे की रॉड से पीटा गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पीड़ित को बेहोश देखकर आरोपी भाग निकले। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि राहुल बेरोजगार था और 15-20 दिन पहले एक छोटी सी चोरी को लेकर जेल से छूटा था। कहा गया कि वो रात के समय ट्रक ड्राइवरों से छिनैती का काम भी करता था। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पुलिस ने बताया कि उसे शेष कुमार नाम के प्रत्यक्षदर्शी से घटना की सूचना मिली। उसने पुलिस को बताया, मैं सुबह करीब 5:30 बजे जगा और मैंने देखा कि मेरे पड़ोसी एक शख्स को मार रहे हैं। मुझे झटका लगा, उसे पार्क तक घसीटा जा रहा था। उनके हाथों में डंडे और एक ने लोहे की रॉड पकड़ रखी थी। मैंने उसे छोड़ने को कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये चोर है और मुझे भी धमकी दी। इसके बाद शेष कुमार ने पुलिस को सूचना दी। DCP पश्चिम दीपक पुरोहित ने कहा, पुलिस को राहुल एक पेड़ के नीचे मिला, उसकी पहले ही मौत हो चुकी थी। उसके शरीर पर कई चोट थी और कई गहरे निशान थे। शव के पास से एक रस्सी मिली। हमने शेष कुमार के बयान के आधार पर मर्डर केस दर्ज किया है। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार हुए आरोपियों ने कहा कि राहुल और उसके आदमियों ने सिराज का मोबाइल फोन उसके ट्रक से चुराया था। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने देखा तो उनका पीछा किया, लेकिन राहुल पकड़ में आया। उन्होंने कहा कि उसे खींच कर पार्क में ले गए और उसकी हालत खराब होने पर छोड़कर भाग गए। राहुल के परिवार को 28 अगस्त की शाम को सूचना मिली। उसकी मां गुड्डी ने कहा, उसे पहले चोरी के केस में पकड़ा गया था तो स्थानीय लोग और पुलिस उसे टारगेट करते हैं। पिछले हफ्ते कुछ लोगों के एक समूह ने उसे पीटा, ये सोचकर कि उसने बटुआ चुराया है, जबकि वो गलत थे। राहुल का बायां हाथ टूट गया था। शुक्रवार को उसने कहा कि वो नई जिंदगी शुरू करना चाहता है और रोजगार की तलाश करेगा। हाल ही में उसकी शादी हुई थी और वो हमारी मदद करना चाहता था। उसके दोस्तों के बुलाने पर वो घर से गया। हमें नहीं पता था उसे इस तरह मारा जाएगा। अगर उसने चोरी की भी थी तो उसे इस तरह नहीं पीटा जाना चाहिए था। वहीं मृतक राहुल के पिता रघुवीर ने भी कहा कि वो 17 अगस्त को जेल से छूटने के बाद बड़े भाई की मदद से गुरुग्राम में नौकरी खोजने जा रहा था। 27 अगस्त को उसने सामान पैक किया, अगले दिन उसका शव मिला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ललन टॉप का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। धन्यवाद।